अभी हमारे ये चार ब्रह्मचारी जो आगे बैठे हैं, ब्रह्मचारी पवन जी, अशोक जी, रजनीश जी और नवीन जी और बहन अर्पिता जी, इन पांच भाई बहनों ने आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। माने इन्होंने जो जिस प्रामाणिकता से इस शास्त्र को पढ़ा है, इनकी हर 15 दिन के बाद परीक्षाएं होती हैं, जैसे स्कूलों में होती हैं, ऐसे ही इन ब्रह्मचारियों को भी मौखिक परीक्षा भी देनी होती है और रिटर्न परीक्षा भी देनी होती है। तो इनके अंक भी इनकी मार्कशीट के ध्यान में रख करके इनका इनको डिग्रियां दी जाती हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं आपके सामने इनसे पूछना चाहूंगी, मौखिक भी इनको कितना उपस्थित है, रिटर्न में तो इनके हैं ही मार्कशीट हमारे पास। तो ब्रह्मचारी अशोक जी खड़े हो जाएंगे एक बार, और जो सूत्र मैं बोल रही हूँ उससे आगे ये ब्रह्मचारी बोलेंगे। युक्ति तोपि न बाध्यते दिग्मूढवतः परोक्षादृते चक्षुषाणां बोधो द्युमादि विरुवन्य सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर् महान् महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्रेभ्यः अहंकारात् तन्मात्राणि ततः प्रकृतेः ततः प्रकृते संहत प्रार्थत्वात्। ब्रह्मचारी पवन जी बताएंगे, समानः प्रकृतेर् द्वयो समानः प्रकृतेर् द्वयो अधिकारी तरह विद्यान्न नियमः वैदाख्य माध्यम कार्यम तन्मन तत्कार्यतम उत्तरेषाम चरमोहंकार आद्य हित्ता तद्वारा पारंपर्य अनुवत पूर्व आवृत्ति द्वयोरेकतर हानि अन्यतर योग परिचित न सर्वोपादान नावस्तन सिद्धि सौक्ष्म्या तद अनुपलब्धि सौक्ष्म्या तद अनुपलब्धि कार्य दर्शना तद उपलब्धि वाद विवृत प्रतिपत्ति तथा तद असिद्धि रीति तेत तदवसानुभोग चिदवसानुभोग अविवेकवा तत्कर्तु तत्सिद्धि नो वयम च तत्वाख्याने विषयो अविषयो अपि अति दुरादि हानोपादानाभ्याम इंद्रियस्य सौक्ष्म्या तद अनुपलब्धे है कार्य दर्शना तद उपलब्धे त्रिगुणा चेतनत्वादि द्वयोः त्रिगुणा चेतनत्वादि द्वयोः विषा प्रीति अप्रीति विषादादे गुणानाम अन्योन्यम वैधर्म्यम लघ्वादि धर्मे ही साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम उभय अन्यत्वात् तत्कार्यत्व मैदादि घटादिवत परमाणा समन्वय शक्ति तस्चेति तदाने प्रति पुरुषो वा तत्साहित्य सहायक कार्यात् कारणानुमानम तत्साहित्यात् कार्यात् कारणानुमानम तत्साहित्यात् अव्यक्तम त्रिगुणा लिंगात् तत्कार्यता तत्सिद्धे नापलाप सामान्य विवादाभाव धर्मवत न साधनम संगत पदार्थत्व पुरुष कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च जड़ प्रकाशा युगात प्रकाश निर्गुणत्व न चित धर्म श्रुत्या सिद्धस्य नापलाप तपस्तत् प्रत्यक्ष उभयात्मकम मनः उभयात्मकम मनः गुण परिणाम विशेषा नानात्म अवस्था वेदात रूपादि रसमलांत उभयोः दृष्टत्वादि करणत्वम आत्मानम त्रयाणाम स्वलक्षण करण व्यक्ति वैराग्याद अभ्यासाच्च अभ्यासाच्च पंच विपर्य वेदा असक्ति रष्टा विंशति धातु तुष्टि नवदा सिद्धि रष्टदा अवान्तर वेदा पूर्वत एवं इतरस्य आध्यात्मिकादि वेदा नवदा तुष्टि उवादि सिद्धि रष्टदा देवादि प्रवेदा आदि ब्रह्मस्तंभ पर्यत्तम। ब्रह्मचारी नवीन जी ऊर्ध्वम सत्व विशाला ऊर्ध्वम सत्व विशाला तमो विशाला मूलतः सर्गः मध्य रजो विशाला कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदाश्वत आवर्तिस तथापि उत्तरोत्तर योनि योगात् हेयः समानम जरा मरणादिजम समानम दुःखम कर्मवत् दृष्टेर्वा कालादेहे कालादेहे स्वभावात् चेष्टितम् अनभिसंधानात् भृत्यवत् कर्मवत् कर्म कृष्टेर्वा वानादितः सहि सर्ववित् सर्वकर्ता सहि सर्ववित् सर्वकर्ता ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धाः प्रधानम सृष्टि ही स्वरूप स्वरूपतो भुक्तिभावात् उष्ण कुमकुम मोहनवत् अचेतनत्व अधिकारी प्रभेदात् न नियमः अधिकारी प्रभेदात् न नियमः मैदाख्यम आद्यम कार्यम तन्मनः चर्मो अहंकारः तत्कार्यत्वम उत्तरेषां श्रुतिश्च श्रुतिश्च अंधपर अंधपरंपरा इतरथा अंधपरंपरा संस्कार लेशतः तत्सिद्धेः न भूतयोगे चक्र भ्रमणवत् शरीर अधिष्ठानाच्चेति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च जड प्रकाशायोगात् प्रकाशः निर्गुणत्वात् चिद्धर्माः श्रुत्या सिद्ध्यस्य नापलापस् शरीरादि व्यतिरिक्तः पुमान् शरीरादि व्यतिरिक्तो पुमान् सहत् परार्थत्वात् अधिष्ठानाच्चेति त्रिगुणादि विपर्यात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च भोक्तृभावात् जड़ प्रकाशा योगात प्रकाशः श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत् प्रत्यक्षा भावात् संभवेन न स्वतः संभवेत् न स्वतः अपेक्षिको गुण प्रधान भावः
क्रिया विशेषा तत्कर्मार्जितत्वात् तदर्थम् धेनुवत् वत्साय करणं त्रयोदश विधम् अवान्तरभेदः इन्द्रियेषु साधकतमत्व योगात् भित्यवत् द्वयोः प्रधानं सप्तदशैकं लिङ्गं सप्तदशैकं लिङ्गं आत्मार्थ सृष्टे नेषाम् आत्मार्थ आरम्भः व्यक्तिभेदः कर्म विशेषात् व्यक्तिभेदः कर्म विशेषात् न स्वातन्त्र्यात् तद्ऋतेः छायावत् चित्रवच्चेत् मूर्तत्वे अपि न संघातयोगात् संघातयोगात् तरणीवत् अनुप्रमाणं तत्कृतिश्रुतेः तद् अन्नमत्वं अन्नमयत्वं श्रुतेश्च इतरेतरहानेन विना दैवादि प्रभेदाः आध्यात्मिकादि प्रभेदाश्चेत् नवधा तुष्टिः आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तं ऊर्ध्वं सत्त्व विशालः तमो विशाला मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशाला कर्मवैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदासवत् आवर्ति तथापि उत्तरोत्तर अधिकारी प्रभेदात् न नियमः अधिकारी प्रभेदात् न नियमः बाधितानुवृत्त्या मध्यम विवेकतो अपि उपभोगः जीवन्मुक्तश्च उपदेशो उपदेष्टत्वात् तत्सिद्धिः श्रुतिश्च तयोरन्यत्वे तुच्छत्वं कार्यात् कारण अनुमान तत्साहित्यात् त्रिगुणात् अव्यक्तं त्रिगुणालिङ्गात् धन्यवाद अभी ब्रह्मचारिणी अर्पिता जी खड़ी हो जाएंगी सर परिमाणात् परिमाणात् समन्वयात् उपादान नियमात् सर्वत्र सर्वदा सर्वसम्भव अभावात् सत्यस्य सक्यकरणात् कारणभावाश्च न भावे भाव जगश्चेत् न अभिव्यक्ति निबन्धनो व्यवहार अभिव्यवहारौ चितावसान भोगः विमुक्त मोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य विमुक्तमुख्यार्थं स्वार्थः प्रधानस्य विरक्तस्य तत्सिद्धेः न श्रवणमात्रा तत्सिद्धे अनादिवासनाय बलवत्त्वात् बहुवृत्त्यवात् प्रत्येकं प्रकृतिवास्तवस्य पुरुषस्य अभ्यासिद्धिः कार्यत तत्सिद्धिः चेतना उद्देश्यात् दिक्कालाकाशादिभ्य अध्यवसाय बुद्धिः तत्कार्यधर्मादि महदुपरागत विपरीतम् अभिमान अहंकार एकादश पंचन मात्रम तत्कार्यम सात्विकम एकादशकम प्रवर्तयाणाम स्वालक्षण्यम त्रयाणाम स्वालक्षणम सामान्यकरणवृत्ति प्राणधा वायव पंच महत उपरागत विपरीतम क्रमश इंद्रियस्य वृत्तिः वृत्तय पञ्चतया क्लिष्टा क्लिष्टा तत् निवृत्तौ उपराग परात स्वस्थः अविशेषाद् विशेषारम्भः अविशेषाद् विशेष आरम्भः तस्मात् शरीरस्य तद्विजाते संस्कृति आविवेकाच्च प्रवर्तन विशेषाणाम् उपभोगात् इतरस्य सम्प्रति परिसक्त द्वाभ्यां मात्रापि पूज्यं स्थूलत्व प्रायश न इतरात् अन्यथा पूर्वत्वते तत्कार्यत्वम् उपभोगात्यकस्य बहुत साधुवाद सभी ब्रह्मचारी इनको ये पूरा सांख्य दर्शन याद है अब दूसरे इनको सांख्य कारिकाएं याद हैं इनसे भी थोड़ा स्वामी जी की अनुमति है तो और ये बहन ये जो है भाइयों को तो पढ़ने का पूरा समय मिलता है इन बहनों को ये बेटी तो कार्यालय संभालती है पूरे दिन ये कार्यालय में काम करती है अर्पिता और बहुत अच्छी इसकी बुद्धि है तो ये लगभग 10-12 घंटा सेवा करती है और उसके अलावा जो 3-4 घंटा इनको मिलता है उतने में पढ़ाई करती है तब भी उन्होंने इस शास्त्र परंपरा को अधिगम किया है ये एक गौरव की बात है तो इन भाइयों से ज़्यादा पुरुषार्थ किया इन्होंने बहनों ने इनको विशेष अभिनंदन और इससे ये भी पता लगता है कि एक भ्रांति होती है ना कि बहनों में क्षमता कम होती है बुद्धि कम होती है ये भी भ्रांति है और शारीरिक क्षमता कम होती है ये भी भ्रांति है दोनों ही भ्रांतियां आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से टूट रही हैं ये सेवा भी करती हैं और बुद्धि में भी कम नहीं है भाइयों से अभी ब्रह्मचारी संजीव जी एक बार खड़े हो जाएंगे ये एक तो सांख्य दर्शन के सूत्र हो गए एक सांख्य उन्हीं सूत्रों और कारिकाओं में सैद्धांतिक तौर पर कोई भेद नहीं है तो वो कारिकाएं उन्हीं सूत्रों को जो श्लोक होते हैं ना उस तरह से लिखा गया है पूरा अति दूरात सामिप्यात इंद्रियाघातात मनोन्वस्थानात सोक्षमात व्यवधानात समानाधिहाराच्च सोक्षमात तद अनुपलब्धे न अभावात कार्यतः तदुपलब्धे भेदादि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च असत्कारणात
असंभव सर्वासंभव अभावात सत्य से सत्य करणात कारण भावाच्च सत्कार्यम हेतुमत अनित्यम हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सव्यम प्रतंत्रम व्यक्तम च व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम त्रिगुणम अविवेकी दृष्टवत अनुश्रविकः दृष्टवत अनुश्रविकः विषय सह अभिशुद्धि क्षय अतिशयुक्तः तद विपरीताः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्त जय विज्ञानात् मूल प्रकृति ही अवकृति ही मेधाद्याः प्रकृति विकृतः सप्ता षोडश कष्ट विकारो नय प्रकृति नय विकृति ही पुरुषः। ओ अब ब्रह्मचारी पंकज जी ये इन्होंने विशारद की उपाधि प्राप्त की है। संघात परार्थत्वात् संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि परि अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवर्तेश्च जन्म मरण करणानां प्रतिनियमादि युक्त प्रवर्तेश्च पुरुष बहुतम सिद्धम साक्षितम पुरुष बहुतम सिद्धम त्रिगुण्य विपर्यास चैव तस्मात् विपर्यास साक्षितम पुरुषस्य कैवल्यार्थं कैवल्यार्थं मध्यस्थं त्रिगुण्य प्रवर्तेश्च तस्मात् तद् विपर्यासात् साक्षितम पुरुषस्य पुरुषस्य दर्शनार्थं पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रदानस्य पंगुअन्वत उभयोपी संयोग तत्कृता सर युगपत चतुष्टस्य युगपत चतुष्टस्य तु वृत्ति क्रमशः तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथा अप्य दृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। ओम धन्यवाद बैठी कमलेश जी ब्रह्मचारी कमलेश जी हेतुमत अनित्यम हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयो परतंत्रम भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च असत्करण उपादानात् असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् सत्तस्य सक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम सोक्षम्यात् तदनुपलब्धि सक्षम्यात् तद अनुपलब्धि न अभावात् कार्यतस् तत् उपलब्धेः महदादि तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। बहुत साधुवाद। ये ब्रह्मचारी सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। ये रिटर्न परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेते हैं, इनको सुनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आज मंच पे भी इन्होंने अच्छे से सुना दिया, इनको साधुवाद है। ब्रह्मचारी पदम जी त्रिगुणम अविवेकी त्रिगुणम अविवेकी सामान्य त्रिगुणम अविवेकी सामान्य अचेतनम प्रसव अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा अव्यक्तम तद विपरीत तथा व्यक्तम तथा प्रधानम व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमानम प्रीति अप्रीति विषादात्मका विषय प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्य अविभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तीय गुण सामान्य तस्तु दृष्टात् अतिनिराणाम प्रतीति अनुमानात् तस्मादपि च असिद्धम् परोक्षम् आपगमात् सिद्धम्। बहुत साधुवाद बैठी। अब ब्रह्मचारिणी रश्मि जी प्रति विषय अध्यवसाय बुद्धि धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वक आप्तसूत्र आप्तवचन सामान्यतस्तु दृष्टात् गतिन्द्रियाणां प्रतीतिर अनुमानात् सावयव परतंत्रम व्यक्तम तस्मादपि च सिद्धम परोक्षमाप्तगम सिद्धम अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रियघातान् मनो अनवस्थानात् सौक्षम्यात् व्यवधानात् तदनुपलब्धि भावात् कार्य ततस्तदुपलब्धि सौक्षम्यात् तदनुपलब्धि अभावात् कार्य ततस्तदुपलब्धे महतादि तच्च कार्यं प्रकृति विरूपं स्वरूपं च असत्करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सत्तस्य सत्य कारणात् कारण भावात् च सत्यं कार्य अविवेक्यादि सिद्धस्य त्रिगुण्यान् विपर्य भावात् तल्लिंग लिंगी कारण गुणात्मकत्वात् कार्य अव्यक्तमपि सिद्धम् भेदानां परिमाणात् समन्वयः
अतिस्त प्रवितेश्च कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम् अभिसिद्धम्। धन्यवाद, साधुवाद, बैठिए। ब्रह्मचारिणी पूनम जी, संघता परार्थत्वात्, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति पुरुषो अस्ति भोक्ति भावात् कैवल्यार्थम् प्रवृत्तेश्च प्रतिविषयो अध्यवसायो दृष्टम् त्रिविधम् अनुमानम् अख्यातम् तल्लिंग लिंगी पूर्वकम् आप्तसूत्र आप्तवचनम् तु सामान्यतस्तु सामान्यतस्तु दतेन्द्रियाणाम् परोक्षम् आप्तगमा सिद्धम् अतिदूरात् अतिदूरात् समीप्यात् इन्द्रियाघातान् मनो अनवस्थानात् सौक्षम्यात् व्यवधानात् अभिभावात् समानो भिराक्च। धन्यवाद, बैठिए। रोमा जी, ये 10-12 घंटा पूरा संवाद देखती है, पूरे संगठन का काम देखती है ना, तो थोड़ा थोड़ा समय दे पाती है, उसमें भी अच्छा अध्ययन कर लेती है। असत करणात् उपादान ग्रहणात्, असत कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्व समवा भावात् सत्यस्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्यम कार्यम्। हेतुमत अनित्यम, हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम आश्रितम आश्रितम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। त्रिगुणम अविवेकी, त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्य अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रदानम तद्विपरीतस्तम च पुमान। सत्वम लघु प्रकाशकम, सप्तम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम च रजः गुण वर्णक्रम एव तमः प्रतिपश्चर्थो वृत्तिः। भेदानाम परिमाणात्, भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः, भेदानाम परिमाणात् शक्तितः समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्य रूपस्य। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियम अयुगत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपरीत्य एव। बहुत बहुत साधुवाद एक बार इन सभी के लिए। और अब हमारे ब्रह्मचारी गौरांगो जी, ये तो 10वीं महीने की स्टूडेंट है और इसको तो हिंदी नहीं आती थी, ये असमिया ही जानती थी। पहले इन्होंने हिंदी सीखी, हिंदी की लिपि सीखी, फिर उसको याद किया। तो बहुत हिंदी की लिपि भी, क्योंकि असमिया की लिपि अलग होती है, असमिया बंगाली उसके। और ये 5-6 घंटे सेवा करती हैं, संवाद करती हैं ये सब बहनें। एक एक बहन पूरे देश भर में लगभग 100-100 जिलों में संवाद करती हैं। इतना बड़े देश में अपना संगठन है तहसील स्तर तक, और ये ही 4-5 बेटियां हैं पूरे देश में, ये संवाद करती हैं। गौरांगो जी भी ऐसे ही हैं, बहुत ये व्रत का अभ्यास करने वाले ब्रह्मचारी हैं, बहुत सात्विक ब्रह्मचारी हैं। इनको भी हिंदी नहीं आती थी और स्कूल की पढ़ाई थोड़ी पड़ी है, लेकिन संस्कृत में इनकी स्मरण शक्ति अच्छी है, याद अच्छा कर लेते हैं ये। अति दूरात सामीप्यात इन्द्रियाघातात् मनोवस्थानात् सूक्ष्मात् व्यवधानात् अविभवात् समानो अभिहरच्च। दृष्टम अनुमान, दृष्टम अनुमानम दृष्टम अनुमानम च सर्वप्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम अनुमानम त्रिविध प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। दृष्टवद अनुश्रविकः, स्वाहि विशुद्धि विशुद्धि अतिशयाजुक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विजानत। मूल प्रकृति विकृति, मूल प्रकृति अविकृति प्रकृति विकृति सप्त षोड़कस्तु षोड़शकस्तु विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष। सामान्यतस्तु सामान्य तो दृष्टात् प्रतीतिर अनुमानात् तस्मात् असिद्धम परक्षम आप्तगमात् सिद्धम। बहुत धन्यवाद इन ब्रह्मचारियों। ये सबसे भोला ब्रह्मचारी माना जाता था हमारे यहाँ, तो इनको ये बोला कि मुझे भी दर्शन पढ़ने हैं। हमने कहा आप दर्शन पढ़ के क्या करेंगे, आपका तो दर्शन ही दर्शन है। लेकिन इन्होंने पूरा योग दर्शन याद किया स्वामी जी, और पूरी सांख्यकारी का इनको अच्छे से याद है, कंठस्थ याद है। एक दो शास्त्र भी याद हो जाता है तो सत्य का प्रकाश हो जाता है। ठीक है, अभी एक दो सूत्रों के अर्थ सांख्य दर्शन के इन ब्रह्मचारियों से सुन के मैं मन से श्रद्धे स्वामी जी महाराज को समर्पित करूंगी।
क्योंकि केवल शब्द शब्द नहीं, उनका अर्थ भी पहले बौद्धिक दृष्टि से कम साफ होना चाहिए और उसके बाद फिर उसको आचरण करना। तो ब्रह्मचारी अशोक जी खड़े हो जाएंगे। एक सूत्र आता है चतुर्थ अध्याय में, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। ये एक दृष्टांत के माध्यम से साधक को उपदेश दिया गया है कि जब हम किसी चीज पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, तो हम उससे संयोग से दुख होता है, और जब त्याग करते हैं, दान करते हैं, किसी चीज को छोड़ते हैं, परहित के लिए देते हैं, तो उससे चित्त निर्मल और मन सुखी होता है। थोड़ा ये ब्रह्मचारी नवीन जी बताएंगे। शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम जी, अगर इस उदाहरण को खोल के देखें तो जो शेन होता है, शेन का अर्थ बाज होता है, तो बाज के मुंह में जब मांस का टुकड़ा होता है और उसके और जो पक्षी होते हैं उस पर झपटते हैं उस मांस के टुकड़े को लेने के लिए, तो यदि वो उसमें आसक्ति रहकर उसे बचने की कोशिश करे तो वो आघातित होता है। तो यदि शेन ये सोच ले कि ठीक है, इनको इस मांस के टुकड़े को मैं इनके लिए छोड़ देता हूँ, और वो त्याग करता है, वियोग नहीं करता उसका, स्वयं से त्याग करता है या आसक्ति रहित होकर त्याग करता है उससे, तो वो खुश रहता है उसमें। या अगर वो ये सोचे कि मुझे ये छूट रहा है मांस का टुकड़ा, तो फिर उसको दुख होगा उससे। तो सुखी होना है तो हमें त्याग कर देना चाहिए धन आदि संपत्ति का, और नहीं तो वो छुड़ा ली जाएंगी, वियोग होगा, फिर वियोग होगा तो दुखी हो जाएंगे, त्याग करेंगे तो सुखी होंगे, अपनी इच्छा से दान देंगे तो सुखी रहेंगे। देखो इसका दूसरा भी है, जैसे भगवान आदमी मृत्यु में क्यों दुखी होता है, तो लोग उल्टे पुल्टे उदाहरण देते रहते हैं, बोले हजारों सर्पों के काटने जैसा दुख होता है मृत्यु में, इसलिए आदमी दुखी होता है। हार्ट अटैक आदि में तो थोड़ी देर के लिए पेन होता है, बाकी मृत्यु का कोई दुख नहीं होता है। दुख किसका होता है? वियोग का, छूटने का, कि पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएंगे, बच्चे पोते पोतियां छूट जाएंगे, कोई बाबा जी जाएगा तो बोले सारे चेले चेलियां छूट जाएंगे, तो ये तो सब यही रह जाएंगे। तो ये जो दुख है ना, उसको जो छूट रहा है उसको विधान मान लो कि ठीक है, वो तो पक्षी भी कर लेता है, जो बाज बोलते हैं कि ये तो जो है बड़ा लालची होता है, वो जब छोड़ सकता है तो हम तो बहुत विवेकी हैं, हम भी त्याग में सुख अनुभव कर सकते हैं ना। चलो एक सूत्र का ब्रह्मचारी पवन जी बताएंगे। न ईश्वर अधिष्ठिते, ईश्वर के अधीन नहीं है कर्म का फल, कर्म का कर्म अपने आप ही अपना फल दे देता है। कर्म अपने आप, इसका क्या अर्थ करेंगे आप? न ईश्वर अधिष्ठिते, ईश्वर के द्वारा कर्मों की जो फल की है, यानी इसका अर्थ ये है कि ईश्वर है वो अपनी इच्छा से, ऐसे नहीं है कोई भी किसी को भी कुछ दे दे बिना नियम के अनुसार। ईश्वर भी कर्मों के अनुसार ही फल देता है, ईश्वर भी न्याय के अनुसार ही फल देता है सबको, हालांकि वो अनुग्रह करता है सब पे, लेकिन न्याय के अनुसार ही जैसा जिसका कर्म है उसी के अनुसार ही उसको जाति आयु भोग फल के रूप में प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छा। अब हमारे और भी जो विद्वत जन बैठे हैं मंच पे, वे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एक और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, ये सांख्यकार असत्कार्यवाद को मानते हैं या सत्कार्यवाद को? सांख्यकार सत्कार्यवाद को मानते हैं। कोई प्रमाण है इसके लिए आपके पास? प्रमाण है इसमें, सांख्य में अंतिम छठवें अध्याय में एक जगह आया है, प्रकारांतर असंभवात सदुत्पत्ति ही, कि सत की उत्पत्ति होती है, यानी सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है, अगर कोई अन्य कारण मानेंगे तो वो संभव नहीं है, सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, ये इसमें प्रमाण है। तो ये सत कार्यवाद और असत कार्यवाद क्या है रजनीश जी? ये दो बड़े शब्द प्रयोग किए जाते हैं, थोड़े गहरे शब्द हैं, आपने कम सुने हैं, आम संसार के लोग कम सुनते हैं, वैसे भी ज्यादातर अनपढ़ लोग कथा करते हैं हिंदुस्तान में ना, तो 3 घंटे की भागवत कथा हो जाती है, उसमें 20 तो फिल्मी गाने होते हैं। भागवत के जो मूल श्लोक हैं वो भी मुश्किल से कोई 2-4 कथाकार तो हैं जो कोई भागवत के श्लोक भी ठीक ठाक बोल लेते हैं, बाकी तो ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह ऐसे ऐसे सुन के तुम राजी होते रहते हो। अब ये सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद है, जरा सुनाएंगे हमारे ब्रह्मचारी जी, सुनाओ जी रजनीश जी। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दो शब्द बड़े प्रचलित में हैं शास्त्रों में। सत्कार्यवाद से ये आशय लिया जाता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं परिणाम में आ सकती जो कि पूर्व में न हो और नई हो, पूर्व में भी उसकी उपलब्धि होती है और बाद में प्रकारांतर में किसी अन्य रूप में उसका दर्शन होता है,
जैसे अगर व्यवहार में उदाहरण देखें तो जैसे दूध है तो बिना दूध के दही नहीं हो सकती, पूर्व में वो दूध था फिर सत्कार्यवाद में दूसरे रूप में वो उपस्थित होकर दही हुई है, ये सत्कार्यवाद है। और असत्कार्यवाद को दृष्टिभेद की दृष्टि से देखते हैं, उसमें एक प्रश्न ये उपस्थित होता है जो था ही नहीं वो होगा कैसे, या जो नहीं था वही तो होगा, तो इसी में कहते हैं कि दही को ही वो बोल देंगे कि ये नहीं थी इसलिए आया, ये असत्कार्यवाद है, और सत्कार्यवाद की दृष्टि से दूध से दही बनेगा ऐसा। किसी को और इसमें प्रश्न हो तो और क्लियर कर सकते हैं। मेरा अंतर तो कुछ हुआ ही नहीं दोनों में। नहीं, अंतर ये है कि असत्कार्यवाद का मूल भाव ये है कि वो पहले से नहीं थी और उस रूप में नए दृष्टि से वो आ गई है, पहले नहीं थी अब उसका भाव हो गया, ये असत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद का ये भाव होता है कि पूर्व में वो उपस्थित थी किंतु किसी अन्य रूप में और प्रकारांतर में दूसरे रूप में उपस्थित हो गई, सबसे ही सबका भाव बनेगा। कारण रूप में पहले से थी, कार्य रूप में बाद में आई, और असत कार्य में वो सीधे पूर्व में नहीं मानते हैं, मानते हैं कि नई चीज ही आई है, अगर पहले थी तो नई होने की आवश्यकता क्या है। इसको कोई दूसरा उदाहरण दो, आप दो जी को दूसरा उदाहरण। नवीन जी, हाँ आप दीजिए, बैठ। अच्छा बताया आपने सत्कार्यवाद का गुरु जी। हाँ, दोनों ही सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद, जब तत्व एक ही है तो एक सत्कार्यवाद क्यों बोलता है और एक असत्कार्यवाद क्यों बोलता है। जी, असत्कार्य तो है वो न्याय दर्शन का एक सिद्धांत के रूप में दिया गया है, और जो सत्कार्य है वो सांख्य दर्शन का है। हालांकि दर्शनों में कोई भेद नहीं है, केवल दृष्टि भेद है। इसको मैं अगर ऐसे कहूँ कि एक ग्लास है और वो आधा भरा हुआ है, और उसको ये बोले कि ग्लास आधा खाली है, ये एक दृष्टि है, और इसको ये बोले कि ग्लास आधा भरा हुआ है तो ये भी एक दृष्टि है, लेकिन बातें वो एक जैसी हैं, दिखने में विरोधी लगती हैं। तो जैसे कि भ्राता रजनी जी ने बोला भी था कि इस अर्थ में कि वो जो चीज़ नहीं होती है वही तो उद्भव होती है, अगर वो होती तो फिर पुनः वो उत्पन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस अर्थ में असत्कार्यवाद को, और इस अर्थ में कि सत्य ही सत्य की उत्पत्ति होती है, हर चीज़ का कारण होता है, जो भी कार्य रूप में हमको इस सृष्टि में दिखता है वो उस कारण का ही परिणाम होता है, कहीं ना कहीं उसके मूल में कारण छिपा होता है। तो जैसे कि आपने कल हमें खुद ये एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया था कि एक बीज में एक पेड़ छुपा हुआ है, तो कारण रूप में वो है, तो उस अर्थ में तो सत्य से सत्य की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन अगर ये देखें कि वो वृक्ष था ही नहीं और असत्य से सत्य की उत्पत्ति हो रही है, पहले था नहीं अब हो गया, पतंजलि योगपीठ है पहले नहीं था अब है, तो कहीं ना कहीं कारण रूप में तो वो रहा है, तो इस अर्थ में भी ले सकते हैं। पतंजलि योगपीठ कारण सत्कार्यवाद में कहाँ था ये बताओ। उसका जो मूल एक संकल्प है, संकल्प के रूप में कारण रूप के रूप में तो था ही ना, जब नहीं भी बना था बिल्डिंग तो उस इंजीनियर के माइंड में जो एक संकल्पना होती है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, वो तो उसके दिमाग में होता ही है, तो कहीं ना कहीं कारण तो हमें मानना पड़ेगा उसका। एक पतंजलि योगपीठ पहले था उससे दोबारा बना ऐसा तो नहीं मान सकते कि सत्य ही सत्य उत्पत्ति हुई है। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है ब्रह्मचारी जी का।